दोस्तों एक कांटे की मदद से हम गुड़ मापना हो या लेक्सन पाउडर या नियोडॉक्स इस तरह के कौन से भी एंटीबायोटिक्स हो या मेडिसिन हो मापना है तो बहुत आसानी से माप सकते हैं कांटे से। इसकी कीमत सिर्फ 300 रुपये होगी। मुर्गी पालन कर रहे हैं हम तो डेफिनेटली ये लेना बहुत ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि हम एक अंदाजे पे डालते हैं ना दवा या कुछ भी मेडिसिन और एंटीबायोटिक कुछ भी हम अंदाजे पे डाल रहे हैं तो वो कभी कभी गलत भी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो फिर ये मुर्गी पालन में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये बताऊंगा दोस्तों अभी आपको, क्योंकि ये जब हम मुर्गी के बच्चे जब निकलते हैं तब गुड़ मापना हो या नियोडॉक्स मापना हो, लेक्सिन पाउडर मापना हो या टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड इस तरह के एंटीबायोटिक्स हो या मेडिसिन हो जो भी मापना है, ये कांटे से बहुत बेहतरीन मापा जाता है, क्योंकि एक ग्राम से कम से भी इसे माप सकते हैं ये कांटे पे। और इसका इस्तेमाल भी बताऊँगा किस तरह करना है, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। मेन मकसद यही है, 300 रुपये में आपको कांटे की शॉप में किसी भी कांटे जो मिलते हैं तराजू वगैरह वो शॉप में जाकर ये स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ये बताइएगा, डेफिनेटली वो दे देंगे। सिर्फ 300 रुपये में आपको इतना फ़ायदेमंद होगा, ये मुर्गी पालन में इतना मदद करेगा, क्योंकि हम लेक्सिन पाउडर डालते हैं जब बच्चों को स्टार्टिंग में, मतलब 3 दिन तक या कभी कभी बीच में भी डालते हैं, तो वो लेक्सिन पाउडर एक अंदाजे पर डालने से बच्चों को उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेक्सिन पाउडर इस पर मापोगे आप कांटे पे या 1 ग्राम या 2 ग्राम इस तरह से मापोगे तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि जितनी दवा मुर्गियों को चाहिए बच्चों को उतनी ही दवा हम दे सक रहे हैं ये कांटे के ज़रिए। इसीलिए जब गुड़ का पानी देते हैं हम 1-3 घंटे स्टार्टिंग में जब बच्चे निकलते हैं, तो गुड़ भी आपको एक बच्चे को 1 ग्राम के हिसाब में देना रहता है, वो आपको ये कांटे पे रख कर माप कर देना रहता है, क्योंकि ये सिर्फ 300 रुपये आप लगाने से इतना फ़ायदेमंद होगा ये मुर्गी पालन में, क्योंकि बच्चों को हम अगर से लेक्सिन पाउडर कम ज़्यादा होगी तो उसके असर नहीं है तो बीमारी भी आ सकती है, बच्चों को कमज़ोर हो सकते हैं, इसीलिए आपको ये कांटा लेना बहुत ज़रूरी होगा। कहीं भी आसपास के कांटों की जो कांटे मतलब तराजू वगैरह कुछ मिलते हैं शॉप में, वो शॉप से आप ले लोगे कांटा, स्क्रीनशॉट मार कर बताओगे तो दे देंगे। सिर्फ 300 रुपये होगी इसकी कीमत और एरिया के हिसाब में कुछ डिफरेंट भी हो सकती है दोस्त। तो इस अभी आपको इसका किस तरह मापना है ये बताऊंगा। नीचे अभी यहाँ पर ग्राम अभी वीडियो में नहीं दिखाएगा, दिखाई दे रहा होगा नीचे ग्राम, ये थोड़ा सा पानी में भीग गया है कल इसलिए कांटा मार ले रहा है, चल रहा है, इस तरह नहीं चलेगा ये कांटा। इसमें ग्राम्स आएगा, लीटर्स आएगा, कुछ भी लीटर्स मतलब इसके ऊपर पानी डालना है क्या भाई का मत पूछना, एक ढक्कन में पानी लेकर इस्तेमाल कर सकते हो आप। पर मेन तौर पे मेडिसिंस वगैरह कुछ रहती है एंटीबायोटिक्स, तो ये आपको ग्राम, हाँ जी का सिंबल यहाँ पर दिख रहा है, ये ग्राम हो गया है। यहाँ पर अलग अलग किस्म के आपको जिसमें चाहिए उसमें बता देगा है। इस तरह है, थोड़ा सा पानी में भिगा है इसलिए नंबर आ रहा है, नहीं तो 00 पे रहेगा ये, अभी कुछ नहीं रखे, इसके ऊपर रखना रहता है, कुछ नहीं रखे। अभी आपको एक थोड़ा सा गुड़ डाल दे के बताता हूँ। अभी ये ग्राम हो गया है, ग्राम में मापना है, 65 है, अभी तो थोड़ा पानी में भिगा है ये, नहीं तो 00 रहता था तीन जगह, तो 65 माइनस कर देंगे। ये गुड़ डाल देते हैं हम इसके ऊपर, तो ये गुड़ बता रहा है 5 ग्राम, 65 था ना वो 60 के ऊपर कुछ, तो वो माइनस कर दे सकते हैं हम इस तरह कांटे से, ये करे तो लगभग 4 ग्राम का है ये गुड़। ओके दोस्त, इस तरह से आप 4 बच्चे आपके पास तो ये 4 ग्राम गुड़ भिगा देते हो, इस पे रख कर डाल देते हो, क्योंकि अभी उठा कर फिर देखेंगे इसके 64 है। ओके दोस्त, तो इतना बेहतरीन काम करेगा आप अगर से लेक्सिन पाउडर नियोडॉक्स ये कर रहे हो। अभी आपको बताऊंगा ये लेक्सिन पाउडर है, अभी ये नियोडॉक्स है। ओके दोस्त, इसके ऊपर आप एक ढक्कन रख सकते हो, वाटर बॉटल का ढक्कन तो अभी यहाँ पर नहीं है, इसके ऊपर रखकर ये दवा और ढक्कन में डाल देकर और ढक्कन का वेट जितना है उतना माइनस कर देकर बच्चों को इस्तेमाल कर सकते हो दोस्त। इस तरह आएगा यहाँ पर, एक शीशे का अच्छा सा दे देगा आपको, ये ऑफ ऑन बटन है, आप इस्तेमाल कर ऑफ कर सकते हो, शेल इसमें शेल होते हैं, शेल नहीं गए जैसा, आप इस ऑफ कर सकते हो दोस्त। चलो इस तरह का होता है, शेल के ज़रिए चलता है ये, सिर्फ इसकी कीमत 300 रुपये। अगर से आपके इलाके में अलग अलग भी रहेगी और मेरा वीडियो आगे जाकर आप बहुत दिन के बाद देख रहे हो तो कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है इसका प्राइस। इस तरह आप मापना है, जो भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो, एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो आप, गुड़ या कुछ भी, तो उस तरह आप इसमें आपको अच्छे से माप लेना है, माप लेकर बच्चों को इस्तेमाल करना है दोस्त।
वरना हम जितनी मेहनत कर रहे हैं मुर्गी पालन में, तो हमारी छोटी छोटी गलती, अभी इसे सिर्फ 300 रुपये कोई भी भाई ला ले सकते हैं आराम से। हम इतनी मेहनत से और इतने पैसे लगाकर कर रहे हैं मुर्गी पालन, तो ये छोटी मोटी गलतियों की वजह से, मतलब कुछ दवाएं, हर कोई दवाई, एक दवाई नहीं दोस्त, उसके ऊपर लिखे हुआ रहता है, मेंशन करे हुआ रहता है कितना डोज देना चाहिए, उतना डोज के हिसाब में आप दोगे तो तभी काम करेगी, क्योंकि डोज वो जो डोज देना है उसको, बच्चों को जितनी दवा देना है उतनी दवा देने से ये बच्चों को ठीक से इफेक्ट करेगी ना दोस्त, इसलिए आप इस तरह का कांटा ज़रूर लीजिए मुर्गी पालन में, और आपकी मदद भी बहुत सारी होगी, आपको रिजल्ट भी जल्दी से मिलेगा भी। इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा आपको देते रहूँगा, बस वो इन्फॉर्मेशन आप तक आने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब करना काफ़ी होगा, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है बस वो सब्सक्राइब दबाकर, बाजू में जो बेल आइकन की घंटी दिख रही है आपको वो दबाना है, क्योंकि बेल आइकन की घंटी नहीं दबाओगे तो मैं जब वीडियो रखूँगा, जब नोटिफिकेशन आएगी तो वो आप तक नहीं पहुँच सकेगी, इसीलिए वो जो घंटी है वो ज़रूरी है दोस्त, वो भी दबाना सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और दोस्तों कल की टॉपिक होगी प्योर देसी मुर्गी को किस तरह पहचानना चाहिए, ये बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये कमेंट में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई प्योर देसी मुर्गी को किस तरह पहचानना चाहिए बताओ कहकर, इसीलिए कल के वीडियो में प्योर देसी मुर्गी को किस तरह पहचानना चाहिए, ये कल के वीडियो में देखकर आप डेफिनेटली सीख जाओगे कि किस तरह पहचानना है देसी मुर्गी को और पहचानने लगोगे, इसीलिए कल का वीडियो मिस मत होना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कल का वीडियो और आगे के भी वीडियोस आने के लिए सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन की घंटी है बस वो दबा दीजिएगा, आ जाएगा, और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक मारना है तो मार सकते हो, देखकर हल्लू फिसल जाओगे ना, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।